तो ये हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये फंक्शन हमें गिवन है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको आप सिंपल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि पहले सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर बाय आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करो, उसको एक्सपेंड करने के बाद फिर दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक टर्म को फिर सेपरेटली डिफरेंशिएट करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है भाई। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया और आइडेंटिटी एक्सपेंड करने के बाद इसको हमने सेकेंड फंक्शन वहाँ पे सपोज किया है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी को हमने फर्स्ट फंक्शन वहाँ पे सपोज किया और आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने के बाद इसको हमने सेकेंड फंक्शन सपोज किया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू सी डी एक्स को। तो प्रोडक्ट रूल में आपको बताया गया था कि जब भी एक्स के दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में इंटू में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही किया गया है। यहाँ पे पहले सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिखा गया है, इट मीन्स उसको एज इट इज रखा गया है, इंटू में फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, उसके आगे डी ऑफ डी एक्स हमने लगाया, फिर प्लस, फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में एज इट इज रखा गया, फिर इंटू में सेकेंड फंक्शन के आगे हमने डी ऑफ डी एक्स यूज किया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में इस तरीके से हम करते हैं कि पहले सेकेंड को मल्टीप्लाई में, सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन के आगे डी ओवर डी एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में इंटू में सेकेंड फंक्शन के आगे डी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, अब जिनके आगे हमने डी ओवर डी एक्स यूज किया उनको डिफरेंशियल करके लिखते हैं। तो जो मल्टीप्लाई में था वो तो एज इट इज रहेगा, तो डेट्स वाई सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू सी डी एक्स तो वहां पर एज इट इज है। ए एक्स प्लस बी के आगे हमने डी ओवर डी एक्स यूज किया था, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो ये आ जाएगा ए इंटू वन जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, और बी कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए इंटू वन प्लस जीरो। सेकेंड स्टेप में आते हैं, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में था एज इट इज रहा, तो ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रखा गया, फिर इंटू में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान रखिएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर वहाँ पे टर्म कोई गिवन है तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स, तो इसलिए आ गया सी स्क्वायर इंटू टू एक्स, फिर प्लस वहाँ पे था डी स्क्वायर और आप जानते हैं डी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो, तो उसके प्लेस में वहाँ पे जीरो लिखा गया और टू सी डी एक्स, टू सी डी एक्स आप देख सकते हैं कि टू सी डी जो वो कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि क्योंकि कभी भी कोई कॉन्स्टेंट अगर एक्स के टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम एज इट इज रखते हैं, सिर्फ एक्स के जो टर्म होते हैं उसको डिफरेंशिएट वहाँ पे किया जाता है। तो टू सी डी वहाँ पर एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव कितना वन, तो ये आ जाएगा टू सी डी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकेंड जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करके लिखा गया है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी आपका आ जाएगा सॉल्व करके लिख दीजिएगा। जैसे ये एज इट इज है ए इंटू वन प्लस जीरो तो ए आएगा, ए एक्स प्लस बी एज इट इज है और इसको डिफरेंशिएट करके जो आया था उसको वहाँ पर एज इट इज लिख दीजिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना, यही इसका आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तब भी आपका वही सॉल्यूशन रहना है, तब भी उतने मार्क्स मिलने हैं, तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व करने पर आंसर सिंप्लीफाइड होता है तभी हमें आगे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज अगर आपको लगे कि मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है तो आप आंसर को उसी स्टेप पर भी आप स्किप कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। सिक्स देखिएगा, ये वन प्लस वन अपॉन एक्स और होल अपॉन में भी वन माइनस वन अपॉन एक्स है, तो हम क्या करते हैं इसमें न्यूमरेटर वालों को कैल्शियम ले लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, डेरोवेटर कैल्शियम ले लेते हैं तो आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, दोनों के डेनोमीटर से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो फंक्शन बन जाएगा ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक्स के दो फंक्शन यहाँ पे डिवाइड में है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिवाइड रूल को यूज करेंगे। किस तरीके से करते हैं, डिवाइड रूल को भी आपको बताया गया था लास्ट टाइम कि पहले डेनोमीटर वाले फंक्शन मल्टीप्लाई में, क्योंकि सेकंड फंक्शन यहाँ पे डेनोमीटर वाले फंक्शन को बोला जाएगा, तो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में और इंटू में एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में और इंटू में सेकंड फंक्शन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव। तो यहाँ तक तो प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल बिल्कुल सिमिलर है, बट डिफरेंस है प्लस की जगह यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, लेकिन इसमें एक डिफरेंस हो रहा है कि जब भी हम डिवाइड रूल लगाते हैं तो होल अपॉन में हम डेनोमेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर करके लिख देते हैं, होल अपॉन में हम डेनोमेटर का स्क्वायर करके लिख देते हैं और वो लास्ट तक ऐसे ही रहता है, उसका कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फंक्शन का होल स्क्वायर करके हम डेनोमेटर में मेंशन कर देते हैं, तो वही काम हमने यहाँ पे किया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब जिनके आगे डी ओवर डी एक्स लगा हुआ था उनको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो एक्स माइनस वन तो एज इट इज क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आएगा क्योंकि एक्स का वन, वन का जीरो क्योंकि वन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा,
एक्स प्लस वन एज इट इज और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन आएगा। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके एक्स माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू वन, तो सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस के टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बस यही बात थी कि हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डेनोमेटर दोनों कैल्शियम लेकर थोड़े फंक्शन को सिंप्लीफाई करना था, और फिर उसके बाद जब आपको डिवाइडो लगाना आता है तो आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट करके पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिएगा, ए अपॉन एक्स की पावर फोर, ये क्वेश्चन नंबर टेन है यहाँ पर। तो ए अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये फंक्शन हमने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि ए अपॉन एक्स की पावर फोर है तो आप इसमें डिवाइडो लगाना चाहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं। पर आपको बता दें, डिवाइड रूल आप तभी अप्लाई करो जब एक्स के दो फंक्शन डिवाइड में हो, ठीक है। हालांकि डिवाइड रूल से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, पर डिवाइड रूल इसमें लगाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट है तो डिवाइड रूल की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिवाइड रूल लगा भी देते हैं तब भी आपका आंसर जो तब भी वो करेक्ट ही रहेगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, अगर डायरेक्टली करते हैं तो हम एक्स की पावर फोर को इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो आ जाएगा ए इंटू एक्स की पावर माइनस के फोर। ऐसे बी अपॉन एक्स स्क्वायर में एक्स बाय टू को हम ऊपर ले जाते हैं तो बी इंटू एक्स पावर माइनस के टू, और ये कॉस एस। अभी हमने सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, डेट मीन्स एक्स की जो टर्म डेनोमेटर में थी उनको हम न्यूमरेटर में ले गए। तो आपको पता है जब ऐसे मूव कराते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए इंटू एक्स पावर माइनस के फोर माइनस बी एक्स पावर माइनस के टू प्लस कॉस एस। आप तो इसको सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई में एक्स पावर माइनस फोर का डेरिवेटिव डेट्स वर्स के आगे हमने डी ओवर डीएक्स लगाया, बी कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में वो एज इट इज, एक्स पावर माइनस टू के आगे हमने डी ओवर डीएक्स यूज किया और कॉस एक्स के आगे हमने डी ओवर डीएक्स को यूज किया। तो ये स्टेप इस तरीके से बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई में था एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर माइनस फोर का डेरिवेटिव, आपको पता है कि एक्स की पावर एन का जो हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर को हम आगे यूज करते हैं और पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डेट्स वर्स का डेरिवेटिव बन जाएगा ये माइनस फोर इंटू एक्स पावर माइनस के फाइव। यहाँ बी एज इट इज रहेगा, एक्स पावर माइनस टू का डेरिवेटिव माइनस के टू एक्स पावर माइनस के थ्री, एंड देन कॉसेस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा माइनस के फोर ए इंटू एक्स पावर माइनस के फाइव प्लस के टू बी एक्स पावर माइनस के थ्री, और ये माइनस के साइन एक्स। आप चाहो तो जो एक्स पावर माइनस में थी उनका पॉजिटिव बना सकते हो अगर डेनोमेटर में ले जाते हो वापस, तो इसका आंसर बन जाएगा ये फाइनली माइनस के फोर ए अपॉन एक्स पावर फाइव प्लस टू बी अपॉन एक्स क्यूब और माइनस साइन एक्स, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो एक्स की टर्म डेनोमेटर में थी उनको आप न्यूमरेटर में ले जाकर उनकी पावर का साइन चेंज कर सकते हैं, देन उनको सिंपल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये चेन रूल का एक क्वेश्चन है और चेन रूल के साथ साथ इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा। चेन रूल क्यों होगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी की होल पावर है, दैट मीन्स फंक्शन की होल पावर गिवन है, तो दैट्स व्हाई यहां पर चेन रूल भी है। और क्योंकि ऐसे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आपका प्रोडक्ट रूल भी है, तो उसमें हम किस तरीके से दोनों को एक साथ यूज करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक्स के दो फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और वो कैसे करते हैं हम, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन के आगे डी ओवर डी एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन के आगे डी ओवर डी एक्स, जो प्रोडक्ट रूल का रूल था उसको अप्लाई कर दीजिएगा पहले स्टेप में, तो ठीक है, उसमें और कुछ आपको नहीं करना। अगले स्टेप में आप इनको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो देखिए सी एक्स प्लस डी की पावर एन मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एम का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, और चेन रूल में आपको बताया गया था पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं फिर इनटू में जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, पहले हमने पावर का किया तो एम इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन, ठीक है, पावर का करने पर ये आएगा, फिर इनटू में जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी उसका डिफरेंशिएशन। ऐसे यहाँ पर भी सेकंड स्टेप में भी ए एक्स प्लस बी की पावर एम मल्टीप्लाई में फिर सी एक्स प्लस डी की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले पावर का करेंगे तो एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस वन, और फिर इंटू में जो फंक्शन था वहाँ पर एक्स की बेस पे उसका डेरिवेटिव उसका आगे डी ओवर डी एक्स। अगले स्टेप में देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज था, इसका हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा ए। ऐसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था इसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा सी। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका ये ए एम सी एक्स प्लस डी की पावर एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन सी एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस वन। आप चाहो तो आंसर को यहीं पर भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, लेकिन इसको आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो आप देखिएगा, शायद हमने कर रखा होगा इसको एक स्टेप आगे, नहीं कर रखा, शायद नहीं करा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप आंसर को यहीं पर भी स्किप कर सकते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमें
ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने थे, ठीक है।